1997 में रशिया के जंगलों में एक व्लादिमीर मार्कोव नाम के शिकारी शिकार करने गए। वहाँ उन्हें एक मरा हुआ सुअर दिखाई दिया। उन्हें ये समझ में आ गया था कि ये काम एक साइबेरियन टाइगर का है। मार्कोव ने सोचा सुअर को यहाँ छोड़ना ठीक नहीं है, मैं इसे यहाँ से ले जाकर अपनी भूख मिटाऊंगा और बचे हुए को बाजार में बेच दूंगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उन्होंने किसका शिकार चुराने की कोशिश की थी। एक साइबेरियन टाइगर का वजन 600 पाउंड होता, उन्हें उनके इलाके में किसी का आना पसंद नहीं होता। मार्कोव सुअर को चुरा कर भाग ही रहे थे कि तभी वहाँ पे साइबेरियन टाइगर आ गया। मार्कोव ने उस पर गोली चला दी और वहाँ से भाग गए। साइबेरियन टाइगर बहुत ही चलाक होते और अपने शिकार को जाल बिछा कर मारते हैं। मार्कोव ने बहुत पास से गोली चलाई थी इसलिए टाइगर को उनका चेहरा याद था। जब घायल टाइगर रिकवर हुआ तब वो मार्कोव के पैरों को सूंघते हुए 11 किलोमीटर तक उनके कैबिन तक पहुंच गया। दुनिया में कोई भी ऐसा ट्रैकर नहीं है जो साइबेरियन टाइगर को रिप्लेस कर सके। टाइगर ने पूरे 48 घंटों तक मार्कोव पर नजर रखी और उस हर चीज को तहस नहस कर डाला जिससे मार्कोव की खुशबू आ रही थी। मार्कोव शिकारी थी इसलिए एक आखिरी बार लड़ना चाहते थे। जैसे ही वो बाहर निकले टाइगर ने उनके चिथड़े उड़ा दिए। पूरे 3 दिनों तक उनकी लाश के पास बैठा रहा और मार्कोव की हड्डियां तक चबा गया।